Thakane? Yes. Yes, good afternoon to all of you. And welcome to our GS classes and with the support of our Pradeep sir. And so, current affairs. तो आई थिंक शायद एक क्लास में लास्ट वीक भी एक क्लास लिया था, तो शायद उसमें कुछ कम बच्चे थे हमारे से बैठे हुए थे. तो और अगर हम करंट अफेयर की बात करें तो आजकल ये तो पता ही है आपको कि आजकल बहुत बड़ी मात्रा में जो है आजकल करंट अफेयर सारे एग्जाम्स में आता है. सो तो आज कुछ हमारे पास बच्चे भी ज़्यादा भी हैं, तो एक चीज़ बताइए अब लोग करंट अफेयर्स पढ़ते कैसे हैं. हाँ, शुरुआत आपसे करते हैं. यस, ये जोर से बोला करो यार. एक तो हाँ, डेली न्यूज़पेपर से. ओके, गुड. आप न्यूज़ चैनल कौन सा? लोकसभा टीवी. ओके, गुड, वेरी गुड. अच्छा बच्चे, आप अच्छा कभी पढ़ लेते हैं कभी नहीं पढ़ते हैं. ओके, नहीं देखिए एक चीज़ मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बता दूं. अगर हम करंट अफेयर की बात करें, एक्चुअली अगर हम करंट अफेयर की बात करते हैं तो ज़्यादातर बच्चे एक चीज़ समझते हैं कि करंट अफेयर पढ़ेंगे जब पेपर होगा उससे 3-4 दिन पहले. कोई एक साइट से एक फाइल डाउनलोड करेंगे 70-80-90 पेजों की और उसको 5 दिन में पूरा का पूरा जो है वो हम पढ़ लेंगे, है ना. होता है ये, दैट इज रियलिटी. लेकिन करंट अफेयर ऐसा कभी हो ही नहीं सकता. आई विल ऑलवेज से कि करंट अफेयर को हमें डेली रूटीन के साथ लेके चलना चाहिए, पहली चीज. और घर लोगों के साथ में शायद पहले ही क्लास है तो अलग चीज़ है. अदरवाइज मैं बच्चों को एक बहुत चीज़ समझाता हूँ, बहुत सिंपल सी चीज़ बताता हूँ कि बिना न्यूज़पेपर पढ़े आपका दिन समाप्त तो होना ही नहीं चाहिए. चाहे ये नहीं है, जरूरी नहीं है कि न्यूज़पेपर आप सुबह 8 बजे ही पढ़ें या 7 बजे ही पढ़ें. न्यूज़पेपर चाहे आप रात को 12 बजे पढ़ें, 1 बजे पढ़ें, 2 बजे पढ़ें, डजंट मैटर. न्यूज़ तो कोई अलग नहीं हो जाएगी ना. और अगर हम बात करें न्यूज़पेपर की तो उसमें हर रोज़ 4 या 5 न्यूज़ है जो विशेष रूप से आपके एग्ज़ाम के पर्पज़ की आती, ज़्यादा आती भी नहीं है. और उसका आपको एक और फ़ायदा मिलता है कि आजकल जो हमारे पेपर्स हैं जीएस की अगर हम बात करते हैं तो उसमें मैंने शायद पहले भी आप लोगों को बताया हुआ है कि चाहे हिस्ट्री हो, चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे पॉलिटी हो और ख़ासकर इकोनॉमी सेक्शन हो, वो सब तो आजकल जितने भी क्वेश्चंस आते हैं वो सब करंट से रिलेट होकर ही आते हैं. आपको कुछ अलग से पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है अगर आप ठीक प्रकार से करंट अफेयर को डेली रूटीन में पढ़ रहे हैं, ठीक है ना. और आज मैं आपको पहली चीज़ आपको ये बता दूंगा, मैंने भी पहले भी बताया हुआ है कि न्यूज़पेपर में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमें पढ़ना है. कि समस्या बच्चे एक चीज़ समस्या और बताते हैं, सर आपने बोला कि न्यूज़पेपर पढ़ना है. तो न्यूज़पेपर में पढ़ना क्या है? 17-18 पेज का न्यूज़पेपर आता है, है या नहीं? पूरा तो पढ़ा नहीं सकते आप, ना इतना टाइम है, क्योंकि और भी बहुत कुछ पढ़ना होता है, ठीक है ना. तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको ये बता दूं कि हर रोज़ न्यूज़पेपर में आपको जैसे 3 से 4 न्यूज़पेपर में मिलते हैं और उसमें से आप छोटे छोटे अपने खुद के नोट्स बनाइए. आज के बच्चे ये कहते हैं सर हम यूट्यूब पे देख लेते हैं. यूट्यूब देखिए, अच्छी बात है, कोई बुरी चीज़ नहीं है यूट्यूब पे देखना. लेकिन यूट्यूब से समस्या एक है कि आप लोग उसको केवल देख लेते हैं, अपने नोट्स उसमें से तैयार, बहुत कम बच्चे उसमें से नोट्स तैयार करते हैं. और सो छोटी छोटी चीज़ों का समझना है, सो दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग. अगर हम बात करें तो सबसे पहली चीज़ जो मैं आपको यही बताऊंगा कि अगर हम आज की बात करें आज की पेपर की बात करें तो ऐसे आज का न्यूज़पेपर है उसमें केवल ये 4 या 5 न्यूज है जो आपको आज के पढ़ने के लिए इंपॉर्टेंट है, नथिंग मोर देन दैट, ठीक. जैसे अब मैं आज के हिंदू की बात करूं
सी सबसे इंपॉर्टेंट चीज अभी आजकल जो है हमारा सबसे बड़ी विश्व की सबसे बड़ी घटना चल रही है, सबको पता ही है, इलेक्शन, अमेरिका के इलेक्शन जो पूरे विश्व को सबसे अधिक प्रभावित करते हैं। और अभी अगर हम बात करें तो ये सबको पता ही है, अभी वर्तमान में बिडन विक्ट्री के, जो बिडन विक्ट्री के बहुत बहुत नजदीक, और ये मान के चल रहे हैं कि अमेरिका के अगले राष्ट्रपति जो बिडन ही होंगे, 99.9% चांसेस तो अब यही है। अब अगर आप जनरल तैयारी कर रहे हैं तो ये आपने इतना काफी है कि बिडन जो है वो कौन सी पार्टी से हैं, डेमोक्रेटिक से हैं, सबको पता ही है, ठीक है ना। लेकिन जो अगर इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हमारे लिए डोनाल्ड ट्रंप का जितना ज्यादा बेटर है या इनका जितना ज्यादा बेटर है, ट्रंप का, क्यों? मोदी ट्रंप भाई भाई है ना, बहुत बहुत लंबे समय से ये चर्चा रही। लेकिन एक्चुअली अगर आप ध्यान से देखें और ध्यान से समझें इतने, अच्छा एक चीज और भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि डोनाल्ड ट्रंप, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये बहुत लंबे समय के बाद हुआ है अमेरिका में कि वहां पर किसी राष्ट्रपति को दूसरा कार्यकाल नहीं मिला है। अगर पिछले हम 92 से देखें तो लगातार हर जो राष्ट्रपति हैं उनको दो दो चांसेस मिले हैं। ओके, केवल डोनाल्ड ट्रंप ही हैं जिनको इस बार हार का सामना करना पड़ेगा अपने सेकेंड टर्म में। उसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं। सबसे बड़ा रीजन तो यही है कि डोनाल्ड ट्रंप, देखिए एक बार समझ लीजिएगा, अगर आपने डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसीज को ध्यान से फॉलो किया हो, डोनाल्ड ट्रंप बेशक उन्होंने यह बोला कि भारत जो है उनके लिए एक विशेष देश रहा है, ठीक है ना, हमारे नरेंद्र मोदी के बीच और डोनाल्ड ट्रंप भी काफी अच्छे संबंध रहे, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के शासनकाल में जितने भी अमेरिकी पॉलिसीज बनी वो सब की सब एंटी इंडियन पॉलिसीज थी। पॉलिसी वगैरह में कभी ध्यान से देखा हो, चाहे वो H-1B वीजा हो, चाहे वो उसकी अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी हो, या भारत का जो है सिक्योरिटी काउंसिल में चुने जाने का प्रश्न रहा हो, उसने कभी भारत को सपोर्ट नहीं किया। जो बिडन और कमला हैरिस, और उनके लिए भी देखा जाए, एक्चुअली डोनाल्ड ट्रंप के लिए माना, डोनाल्ड ट्रंप के हारने का कारण भी यही है। डोनाल्ड ट्रंप का यह माना जाता है जो वो कहते हैं, जो वो करते हैं और जो होता है, तीनों चीजें अलग अलग है। दैट इज द इंपॉर्टेंट, उनके हारने का सबसे बड़ा कारण यही है, अमेरिका को पता है। और सबसे बड़ी चीज, उन्होंने सबसे बड़ी गलती जो उनसे हुई कि उन्होंने जो ये पेंडेमिक है COVID-19, इसको जिस प्रकार से उन्होंने इसको हैंडल किया, उनकी हार का सबसे बड़ा कारण यही है। पहले उस स्टार्ट से कहता है कि मास्क लगाने से कुछ होता ही नहीं, और अमेरिका में तो ऐसा कोई पेंडेमिक कभी आ ही नहीं सकता, और विश्व में सबसे बड़ा देश जहां पर सबसे ज्यादा डेथ हुई अमेरिका, करीब 2.5 लाख के आसपास डेथ हो चुकी है ऑफिशियली वहां पर, 2,35,000 के आसपास। जॉय बिडन की अगर हम बात करें, अगर हम भारत संबंधों की बात करें, जॉय बिडन और कमला हैरिस, ये माना जाता है कि वो बिल्कुल स्पष्ट वाइता की तरफ काम करते हैं। उन्होंने शुरू से लेकर भारत अगर देखा जाए, कैसे देखा जाए, तो इनका जीतना भी भारत के लिए बहुत अच्छी चीज नहीं मानी जा सकती, खासकर अगर हम बात करें हमारी वर्तमान सरकार के हिसाब से, क्योंकि बिडन और कमला हैरिस इन दोनों ने खुलकर विरोध किया था आर्टिकल 370 को हटाने का, NRC को लाने का और CAA को लाने का, तीनों के लिए खुलकर विरोध किया है। और कमला हैरिस का तो स्टेटमेंट था, अगर किसी देश में डेमोक्रेसी के खिलाफ कुछ भी होगा हम चुप नहीं बैठेंगे, हम पूरे नजर, हम हर चीज पर नजर रखते हैं। लेकिन उन्होंने स्पष्ट बोला कि हाँ हम इस प्रकार के काम करते हैं, तो ठीक है, खत्म हो गई बात। दूसरा, अमेरिका में जो रंग भेद की नीति फैलाई गई डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा, ब्लैक एंड व्हाइट्स की, उनके हार का दूसरा सबसे बड़ा कारण, ठीक है ना। तो अब देखना पड़ेगा कि आने वाले समय में बिडेन और भारत के संबंध कैसे होते हैं। ये मान सकते हैं कि स्पष्ट वादिता तो कम से कम रहेगी, चाहे वो एंटी इंडिया हो, प्रो इंडिया हो, व्हाटएवर इट इज,
ठीक है ना, और कमला हैरिस हैं तो नेचुरली बात है भारतीय मूल की हैं, तो एक थोड़ा सा सॉफ्ट करना तो रहता है अपने देश के प्रति, थोड़ा सा कुछ ना कुछ मर्जी कह लीजिए आप। ठीक, दूसरा, कल हमारे जो CDS हैं, कौन है हमारे CDS? विपिन चंद्र रावत, बिल्कुल। उन्होंने कहा है कि LAC जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है इसको शिफ्ट करने का कोई प्रपोजल नहीं है, क्योंकि अभी बहुत से रिपोर्ट्स आई कि चाइना जो है वो काफी आगे अंदर तक आ चुका है और वो एक्चुअली LAC को चेंज करना चाह रहा है, कुछ और एरिया जो भारतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है उसको चाइना अपने कब्जे में रखकर बैठा हुआ है, लेकिन भारत इसका लगातार विरोध करता रहा है। भारत पहले भारत सरकार ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन जब काफी सारी रिपोर्ट्स भी आई इसके ऊपर, एट प्रेजेंट जो चाइना है वो ये चाहता है कि जो LAC है उसको शिफ्ट किया जाए, यानी कि कुछ और एरिया जो भारत के अंतर्गत आता है LAC में उसको चाइना क्षेत्र घोषित किया जाए, लेकिन CDS का कहना है कि हम ऐसा नहीं होने देंगे। नेक्स्ट चीज, बहुत लंबे समय से चर्चा में, जो आपको पता ही है कि परसों 9 तारीख है और 9 तारीख को एक रिपोर्ट आ रही है, दैट इज कॉल्ड फाइनेंशियल कमीशन रिपोर्ट, जो हमारा 15वां वित्त आयोग है, चेयरमैन एन के सिंह की जो अध्यक्षता में जो 15वां वित्त आयोग बना हुआ है उसकी रिपोर्ट, परसों वो अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप रहे हैं। और ये पता होगा अगर पिछले कुछ महीनों की बात करें तो राज्यों के बीच और केंद्र सरकार के बीच एक बहुत बड़ा विवाद बना हुआ है GST को लेकर, है ना, सॉरी GST नॉट GDT, GST। आपको पता होगा कि केंद्र सरकार ने अभी जो राज्यों का जो GST का जो पेमेंट बनता है वो देने से मना कर दिया है। सरकार का कहना है कि हमारे पास पैसा नहीं है, अभी आप उधार ले लो, आपका पैसा हम जब हमारे पास होगा तब कभी चुका देंगे। लेकिन GST पे जो हमारा फाइनेंस पैनल है, हमारा वित्त आयोग जो है, उसने बोला है कि यदि सरकार अगर GST का पैसा राज्यों को नहीं देती है तो होगा क्या, एक तो केंद्र सरकार का कर्जा राज्य के ऊपर बढ़ता चला जाएगा, प्लस चूंकि पेंडेमिक ऑलरेडी चल रहा है, सभी राज्य सरकारें घाटे में चल रही हैं, और यदि इस समय अगर राज्य सरकारें अपने पैसे के लिए लोन लेंगी तो राज्य तो और ज्यादा घाटे में चले जाएंगे, तो राज्यों को तो और समस्या आ जाएगी। तो उनका कहना है कि केंद्र सरकार को चाहिए कि राज्यों का जो पैसा बनता है उसको टाइम से दें, ताकि ना तो केंद्र सरकार के ऊपर ज्यादा बर्डन पड़ जाए और ना ही राज्य सरकारों को ज्यादा लोन लेने की आवश्यकता पड़े। ठीक, नेक्स्ट, ये एक और इंपॉर्टेंट है, आपको पता ही है कि ब्रेक्सिट ऑलरेडी हो चुका है, ब्रिटेन एग्जिट फ्रॉम यूरोपियन यूनियन, कौन सी तारीख को हुआ था, 31 जनवरी नहीं था, याद रखिएगा, जो ब्रेक्सिट हुआ था, मैं लिख देता हूं, ब्रेक्सिट इज ब्रिटेन एग्जिट फ्रॉम यूरोपियन यूनियन, जो ब्रिटेन था वो यूरोपियन यूनियन से बाहर आ गया था, दैट इज ऑन 29 मार्च 2020 को जो ब्रिटेन था वो यूरोपियन यूनियन से बाहर आ गया था। अभी फाइनल डील चल रहा है, अभी ट्रेड्स के ऊपर डिस्कशन चल रही है, लेकिन कोई फाइनल समझौता अभी तक नहीं हो पाया है। ठीक, एग्जिट हो चुका है ब्रिटेन का, अब यहां पर जो है, लेकिन अभी जो है क्योंकि अभी एग्रीमेंट साइन नहीं हुए हैं सारे के सारे, तो ये जो है जो ब्रिटेन जो है, क्योंकि ब्रेक्सिट तो हो चुका है, अब उसका जो व्यापार है बिना एग्रीमेंट्स के, व्यापार ब्रिटेन का अब प्रभावित होने लगा है, इसके ऊपर जो है ये न्यूज है। तो आज के बाद में आपको ये 3 या 4 न्यूज है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो आपको पढ़नी है, प्लस इसके अलावा अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं तो इस आज के आर्टिकल्स, ये 4 आर्टिकल्स हैं जो इंपॉर्टेंट है, 3 या 4 जो होते हैं डेली। ठीक, इसमें 3 चीजें इंपॉर्टेंट है आज के में, एक तो ये पहला न्यू डॉन, यही जो बिडन के जो इलेक्शंस हैं उसके ऊपर है, दूसरा ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है अगर हम सोशल इश्यूज की बात करें, अभी पता होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय लिया है
एलिमनी गाइडलाइंस इशू करी हैं, जो महिलाओं के साथ जो तलाक होते हैं उन सब के ऊपर जो थी कि जिसमें जो भरण पोषण का जो भत्ता दिया जाता है पति के द्वारा जो मिलता है उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने नई गाइडलाइंस जारी करी है, उसके ऊपर ये पूरा का पूरा एक आर्टिकल है, तो आपका ये सोशल इश्यू के ऊपर बन जाता है। और तीसरा दिस, आप ये दोनों पढ़िए ना नहीं पढ़िए, दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग, ये बिल्कुल बिडन भारत किस प्रकार से जो है हमारा जो है किस प्रकार से संबंध रहेंगे उसके ऊपर ये डिटेल्ड आर्टिकल है आज के हिंदू के अंदर। बस आप इसको पढ़ लेंगे तो आपको भारत और अमेरिका के बीच बिडेन के कार्यकाल में किस प्रकार के संबंध रहने की संभावनाएं हैं, ठीक उसके ऊपर जो है ये आर्टिकल है। तो इसके बाद आपको इतने तीन या चार चीजें होती हैं, आके आधे से एक घंटे में पूरा पढ़ा जा सकता है आराम से, उसमें ज्यादा दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। तो ये हमारा आज का जो था इंपॉर्टेंट पार्ट जो हमें आज के न्यूज़पेपर में पढ़ना है, ठीक। अब हम आते हैं आज के जो करंट मुझे लेकर आए, बहुत से करंट अफेयर्स लेकर आए हैं, ऐसे क्वेश्चंस जो आने वाले एग्जाम्स में सब इंपॉर्टेंट है। पहले आज हम चर्चा करेंगे विश्व में आपको पता है एक टूर्नामेंट खेला जाता है ग्रैंड स्लैम, तो आपको पता ही होगा टेनिस का है ना, टेनिस ग्रैंड स्लैम 2020 की बात करेंगे। याद रखिएगा हर साल 4 ग्रैंड स्लैम खेले जाते हैं, पहला ऑस्ट्रेलियन ओपन जनवरी में, फिर मई में फ्रेंच ओपन, फिर उसके बाद जून में, जून जुलाई में हमारा विंबलडन, और उसके बाद फ्रेंच ओपन खेला जाता है, ओके यूएस ओपन खेला जाता है, ओके। और इस बार जनवरी में ये खेला गया था, फ्रेंच ओपन इस बार डिले हो गया, अभी सितंबर में ही खेला गया, और इस बार तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रहा इस बार, तो जून में इस बार विंबलडन हुआ ही नहीं, कोविड 19 कैंसिल कर दिया गया, और सितंबर में यूएस ओपन खेला गया, ठीक। इस साल के हम 4 ग्रैंड स्लैम के बाद पहले हम चर्चा करेंगे, पहले हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन, यानी कि 3 कोर्ट्स पे खेले जाते हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है, 2 खेला जाता है हार्ड कोर्ट पर, सख्त जो कोर्ट होता है उस पर खेला जाता है, दूसरा होता है हमारा फ्रेंच ओपन और यूएस ओपन, ये क्ले कोर्ट पे खेले जाते हैं, सॉरी फ्रेंच ओपन जो है वो क्ले कोर्ट पे खेला जाता है, फिर विंबलडन जो होता है वो ग्रास कोर्ट पे खेला जाता है, फिर यूएस ओपन जो होता है दैट इज आल्सो ऑन हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है। पहले हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020, इसमें आपको 2 चीजें ही केवल आपको याद करनी है, 2 चीजें आपको याद करनी है, केवल मेंस विनर और वुमेन्स विनर या लूजर दोनों, इसके अलावा कोई और बहुत इंपॉर्टेंट घटना घटित हुई हो वो आपको बस देखनी होती है, उसके अलावा ज्यादा कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती। अगर हम बात करें इस बार का ऑस्ट्रेलियन ओपन जीतने वाले थे सर्बिया के नोवाक जोकोविक, इन्होंने इस बार का यह जीता था, और इन्होंने जो था डोमिनिक थीम को जो था ये हराया था, ठीक। तो ये जो था एक इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट चीज आती है, जबकि वुमेन का जो जीता वो जीता सोफिया कैनिन ने जो अमेरिका से है, और इन्होंने फाइनल में हराया गब्राइन मुगरोजा को जो स्पेनिश वेनेजुएलियन है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये सोफिया कैनिन का पहला ग्रैंड स्लैम टाइटल था, ठीक। ऑस्ट्रेलियन ओपन नोवाक जोकोविक ने डोमिनिक थीम को हराकर जीता, और ये दूसरा जो था सोफिया कैनिन ने गाब्रियाना मुगुरोजा को जो स्पेनिश वेनेजुएलियन है उनको हराकर जो था ये टूर्नामेंट इस बार जीता। क्लियर उतार लिया, उतारा जिसने उतारा उतार लीजिएगा, बाकी पीडीएफ भी भिजवा दूंगा आप लोगों का मैं ग्रुप के अंदर, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। नेक्स्ट दूसरा होता है जैसे बताया फ्रेंच ओपन, इस बार फ्रेंच ओपन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट दोनों के दोनों। फ्रेंच ओपन याद रखिएगा ये जैसे बताया क्ले कोर्ट पे खेला जाता है, और खेला जाता है कब, मैंने बताया था आपको जून जुलाई मई जून में, लेकिन इस बार लेट पोस्टपोन्ड हुआ क्योंकि पेंडेमिक था,
ये सितंबर में इस बार खेला गया, और कभी कभी इसको एक और नाम भी देते हैं, आल्सो कॉल्ड रोलैंड गैरोस। इसका जो नाम है, कभी कभी एग्जाम में वो फ्रेंच ओपन नहीं देता, कभी कभी वो क्या कह देता है, इसका जो प्रॉपर नाम है दैट इज कॉल्ड रोलैंड गैरोस टूर्नामेंट। और इस बार का बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रहा दोनों के दोनों, मेंस भी और वुमेंस भी। मेंस का इस बार जीता राफेल नडाल ने, किसको हराकर, नोवाक जोकोविक को हराकर। लेकिन ये इंपॉर्टेंट इसलिए बन गया क्योंकि ये राफेल नडाल का 20वां ग्रैंड स्लैम था। इट वॉज द 28 ग्रैंड स्लैम। इससे पहले अभी तक जो ग्रैंड स्लैम जीते हुए हैं वो अभी तक सबसे ज्यादा रोजर फेडरर के थे, 20। रोजर फेडरर कहां से हैं? स्विट्जरलैंड से, बिल्कुल स्विट्जरलैंड से। रोजर फेडरर ने पहले 20 जीते हुए थे, और राफेल नडाल ने इस बार का फ्रेंच ओपन जीतकर ये 20 ग्रैंड स्लैम्स की रोजर फेडरर की बराबरी करी है। ठीक है, यानी कि दोनों के 20-20 ग्रैंड स्लैम है, विश्व में सबसे अधिक ग्रैंड स्लैम। और अगर आप वुमेन की बात करें, इस बार जीता इगा स्वेटिक ने, कहां से है ये, पोलैंड से हैं, और इन्होंने हराया अमेरिका की सोफिया कैनिन को। खासियत, दो खासियत है, पहली बात कि जो इगा स्वेटिक है ये पहली पॉलिश खिलाड़ी है जिन्होंने कोई ग्रैंड स्लैम जीता है। इससे पहले आज तक किसी भी पॉलिश खिलाड़ी ने, चाहे मैन हो चाहे वुमेन हो, अभी तक कोई ग्रैंड स्लैम नहीं जीता था। पोलैंड, पोलैंड के जो होते हैं डेट इज पॉलिश, पोलैंड के निवासी, दे आर कॉल्ड द पॉलिश। ओके, और सबसे दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो एक और है इगा स्वेटिक के बारे में, ये कोई भी व्यक्ति जिन्होंने ग्रैंड स्लैम जीता हो और वो इस शताब्दी में पैदा हुआ हो, यानी कि वो 2000 के बाद की पैदाइश है, ये पहली ऐसी खिलाड़ी हैं जो शी बॉर्न इन 21st सेंचुरी एंड वन द ग्रैंड स्लैम। आज ये 17 या 18 साल की हैं, शायद 2002 या 2003 का इनका बर्थ है। तो इस शताब्दी में पैदा होने वाली और जीतने वाली ये पहली टेनिस खिलाड़ी है जिन्होंने कोई ग्रैंड स्लैम जीता है। तो दो चीजें इसमें इंपॉर्टेंट हो गई हमारे लिए, एक तो फर्स्ट पॉलिश है और दूसरा इस शताब्दी में पैदा होने वाली पहली खिलाड़ी। क्लियर? नेक्स्ट थिंग, तीसरा, ये मैं बता ही दिया, इस बार का विंबलडन फायदा हो गया आप लोगों को, याद कम करना पड़ेगा थोड़ा सा, ठीक है ना, कि इस बार जो है वो, और यहाँ के विंबलडन मैंने बताया ये ग्रास कोर्ट पर खेला जाता है। चौथा, दैट इज यूएस ओपन, दैट इज ऑल्सो प्लेड ऑन ग्रास हार्ड कोर्ट, और इसको जीतने वाले थे डोमिनिक थीम, ऑस्ट्रिया के डोमिनिक थीम ने इसको जीता, और किसको हराया, इन्होंने हराया अलेक्जेंडर ज़वरेव, जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़वरेव को 5 सेट, एक्चुअली बहुत लंबे समय के बाद हुआ कि 5 सेटों तक कोई फाइनल टूर्नामेंट चला हो, फाइनल मैच चला हो। ठीक, डोमिनिक थीम ऑस्ट्रिया के, इन्होंने जो था अलेक्जेंडर ज़वरेव जर्मनी को हराकर जो था यह टूर्नामेंट जीता। और अगर हम महिलाओं की बात करें, नाओमी और साका सब जानते ही हैं, जापान से हैं, और इन्होंने फाइनल में हराया विक्टोरिया अजारेंका को, बेलारूस की विक्टोरिया अजारेंका को हराकर नाओमी और साका ने इस बार का यूएस ओपन जीता। तो ये 4 ऊपर, याद रखिएगा, नौमे से बार आप जानते ही होंगे, नाओमी और साका, शी इज द फर्स्ट एशियन टू विन एनी ग्रैंड स्लैम। 2018 में इन्होंने वीनस विलियम्स को हराकर जो था वो यूएस ओपन जीता था, और यूएस ओपन जीतने के साथ ही ये पहली एशियाई बनी थी जिन्होंने कोई ग्रैंड स्लैम जीता था।
प्लस इसके बाद जब इन्होंने ग्रैंड स्लैम जीता 2018 में, तो उसके बाद यह विश्व नंबर एक पर भी पहुंच गई थी, और विश्व नंबर एक पर पहुंचने वाली भी पहली एशियाई खिलाड़ी। इससे पहले कोई भी एशियाई खिलाड़ी ना तो नंबर वन पर पहुंचा था और ना ही कोई ग्रैंड स्लैम जीता था। तो ये चार हमारे टूर्नामेंट जो हमारे सबसे इंपॉर्टेंट है, उसमें से लगभग आई थिंक लगभग शायद हमारे हर एग्जाम में, वनडे एग्जाम में तो इसमें से कुछ ना कुछ आ ही जाता है। ठीक, बताइए सबने। अब आते हैं दूसरा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज, उसमें से आपको 100% क्वेश्चन मिलेगा। क्वेश्चन आपसे ये नहीं पूछेगा इसमें कि किसको ब्लू फ्लैग मिला, इसमें यह पूछेगा आपसे कि ये बीच कहां पर है, क्योंकि आपका ये स्टैटिक का पार्ट भी है। एक्चुअली अभी भारत के इतिहास में पहली बार हुआ है कि भारत के बीच को, भारत के जो बीच हैं उनको ब्लू फ्लैग टैग मिला हो। यह ब्लू फ्लैग टैग जो मिलता है ये उन बीच को मिलता है जो बहुत ही साफ सुथरे, पर्यावरण से संबंधित जितने भी बीचेस रहे हैं उन सबको जो है ये टैग दिया जाता है। और अभी रिसेंटली 2020 में ही ये पहली बार हुआ कि भारत के बीच को भी, 8 बीच भारत के सिलेक्ट किए गए हैं जिनको क्या किया गया है, ब्लू फ्लैग दिया गया है। और वर्ल्ड्स मोस्ट ग्रेट वॉलंटरी इको लेबल अवार्ड, यानी कि जो हमारे जो टूरिस्ट वाले जो है ये सब चीजें हैं, और इसमें याद रखिएगा ये 8 के 8 नाम, जिस प्रकार से हमारे पहले आपको याद करने पड़ते थे नेशनल पार्क्स ये सब, लेकिन इस बार आपके लिए 8 बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको इसमें जो है ये मान के चलिएगा इसमें से आपको एक ना एक क्वेश्चन जरूर मिल जाएगा किसी न किसी एग्जाम के अंदर। पहले है गुजरात में शिवराजपुर बीच, दमन एंड दीव का घोघला बीच, देन कर्नाटका के 2 बीच हैं, एक कासरकोड और दूसरा पादुबिरदी बीच, फिर उसके बाद केरला का कपाड़ बीच, देन आंध्र प्रदेश का ऋषिकोंडा बीच, उड़ीसा का तो ये बहुत बहुत प्रसिद्ध गोल्डन बीच तो बहुत प्रसिद्ध है, क्योंकि यहां पर हमारे क्या पाए जाते हैं, बहुत चर्चा में रहता है गोल्डन बीच। हां गोल्डन बीच में क्या प्रसिद्ध है, हाँ बोल बोल बोल, बिल्कुल सही कह रहे, सोच सही जा रही है, सोच जो रहे हो, ध्यान नहीं आ रहा, वो वर्ड याद नहीं आ रहा, ऑलिव टर्टल टॉर्टोइज, टर्टल वैसे दूसरे थोड़े से मोटे हो जाते हैं वो, दैट इज गोल्डन बीच में जो है हमारे यहां पर जो है प्रजातियां विकसित की जा रही हैं ऑलिव टर्टल्स की, और पिछले 2-3 साल से प्रसिद्ध है ये तो लगातार। और उसके अलावा अंडमान एंड निकोबार का राधा नगर बीच, ये हमारे 8 बीच जिन्हें ब्लू फ्लैग टैग दिया गया है। ठीक है ना, सो दैट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो ये आपको देखिए वही अखबार सुना रहा, न्यूज़पेपर में आया होगा, नेचुरली बात है, आपने बोला न्यूज़पेपर पढ़ते हैं आप, तो आपने नहीं पढ़ा क्यों? और ये तो ज्यादा मुझे याद है करीब ये 1.5 से 2 महीने के आसपास हुआ होगा, और हिंदुस्तान टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया और हिंदू, ये तीनों की फ्रंट पेज न्यूज थी, और हिंदू में तो पूरा इसके ऊपर एक आधे पेज का आर्टिकल था अंदर पूरा डिटेल में जाकर। और जो बच्चे मेरे साथ जुड़े होंगे व्हाट्सएप वगैरह पे, तो उनका न्यूज़पेपर भी आया होगा, तो बताया भी होगा मैंने पढ़ने के लिए भी। ठीक है ना, नेक्स्ट थिंग, यस, इसके अलावा बहुत बहुत इंपॉर्टेंट अभी बहुत चर्चा में रहा एक और चीज, पहली बार भारत ने जीता क्या, ओलंपियाड गोल्ड चेस, चेस का जो गोल्ड ओलंपियाड गोल्ड है वो पहली बार भारत ने जीता। और एक्चुअली रशिया और भारत के बीच ऑनलाइन चेस खेला गया था, क्योंकि अब तो पेंडेमिक था, और उसमें
हुआ क्या कि हमारे दो खिलाड़ी रखिएगा, अब आपके दो चीजें और इंपॉर्टेंट हो जाती है, कौन कौन था खेलने वाला, कौन कौन था, एक तो निहाल सरीन और दिव्या देशमुख। एक्चुअली ये जीत नहीं रहे थे, एक्चुअली हुआ क्या, लेकिन ओके ऑनलाइन खेला जा रहा था चेस, कनेक्टिविटी टूट गया और गेम जो था वो पूरा हो ही नहीं पाया, और पहले रशिया को ऑफिशियली विनर डिक्लेयर कर दिया गया, लेकिन भारत ने फिर इसका विरोध किया कि चूंकि मैच तो पूरा खेला नहीं गया, चल रहा था मैच, तो हो सकता है भारत जो था वो रिवाइव करता। फिर उसके बाद भारत के प्रोटेस्ट के बाद भारत और रशिया को ज्वाइंट रूप से जो है वो विनर घोषित किया गया। भारत और जो ऑस्ट्रिया रशिया है, इन दोनों को ज्वाइंट रूप से विनर घोषित किया गया, और यह पहली बार हुआ है कि भारत ने चेस का जो है वो इस प्रकार से कोई गोल्ड जीता हो। दूसरा एक बहुत आपने नाम सुना होगा शायद, मुझे पता नहीं आपने पढ़ा है या नहीं है, वन डे एग्जाम्स में खासकर अगर बैंक वैंक की बात, उसमें बहुत क्वेश्चन आते हैं इस प्रकार के। अभी मृत्यु हुई कार्लटन चैपमैन, इंडियन फुटबॉलर हैं, ध्यान रखिएगा विदेशी नहीं है। सैफ गेम्स में जो साउथ एशियन फेडरेशन गेम्स होते हैं उसमें भारत को इन्होंने गोल्ड दिलाया था 1992 या 93 में जब खेले गए थे। तो ये भारतीय फुटबॉलर हैं कैप्टन कार्लटन चैपमैन, इनकी जो है अभी मृत्यु हुई। नेक्स्ट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अभी भारत सरकार ने निर्णय लिया कि 5 IIT IIIT खोले जाएंगे, इंडियन इंस्टीट्यूट बहुत सारे हैं अभी, इसके अलावा 5 और नए खोले जाएंगे। इसके लिए अमेंडमेंट किया गया संविधान में, और सॉरी पार्लियामेंट बिल पास किया गया, और नाम दिया गया इसको IIIT लॉ अमेंडमेंट बिल 2020, और इसके अंतर्गत 5 नए IIIT खोले जाएंगे। और इसमें ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है, उसमें क्वेश्चन आया था इसमें से कहां पर IIIT नहीं खोला जाएगा, 5 जगह जहां खोला जाएगा, दैट इज सूरत, भोपाल, भागलपुर बिहार, अगरतला और रायचूर। इन 5 जगहों पर IIIT खोले जाएंगे, और खासियत यह होगी ये जो IIIT खोले जाएंगे ये सब के सब भारत सरकार नहीं खोलेगी। ये किस मॉडल में खोले जाएंगे, ये खोले जाएंगे मैंने लिखा भी होगा शायद मैंने, ये PPP मॉडल पर खोले जाएंगे, यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पे। इसमें तीनों की हिस्सेदारी रहेगी, भारत सरकार की भी, राज्य सरकार की भी, प्लस जो कंपनी खोलेगी उस बिजनेस जो कंपनी खोलेगी उसकी भी। ठीक, ये पीपी, और इसमें क्या रहेगा, 50% हिस्सेदारी भारत सरकार की, 35% जो रहेगी वो स्टेट गवर्नमेंट की, और जब 15% जो कंपनी खोलेगी IIIT को उसकी हिस्सेदारी रहेगी। ठीक, इसके अलावा एक ये याद रखिएगा, ये 800 पढ़ा होगा शायद आपने, सुना भी होगा, बहुत चर्चा में रहा था 800। हाँ क्या है 800? बिल्कुल बिल्कुल सही, बिल्कुल मुरलीधरन के ऊपर जो हमारे श्रीलंकन विश्व रिकॉर्ड होल्डर 800 विकेट लेने वाले, उनके ऊपर एक मूवी बन रही थी 800, और फिलहाल और उसके जो हीरो थे वो थे विजय सेतुपति, ये उसका रोल कर रहे थे मुरलीधरन का, और काफी विवादित था क्योंकि सिन्हलीज के साथ काफी सारी समस्या है भारतीयों की, और जो तमिल जो मुरलीधरन थे उसके पिक्चर वाले काफ़ी विवाद रहा, तो जिस कारण से मुरलीधरन ने बोला कि भैया मैं क्रिकेट पे फोकस करना चाहता हूँ, क्रिकेट खेल रहा हूँ, अभी तो क्रिकेट खेल ही रहा हूँ, तो मैं क्रिकेट पर ही फोकस करना चाहता हूँ, आई डोंट वांट टू बी एनी कंट्रोवर्सी, तो उन्होंने लेटर लिखा विजय सेतुपति को कि आप इस पिक्चर को रोक दीजिए। तो उसके कहने पर ये जो मूवी बन रही थी 800, इसका फिलहाल प्रोडक्शन रोक दिया गया। ठीक, ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो हमारी
अभी चर्चा में रही। नेक्स्ट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये आजकल सभी एग्जाम से क्वेश्चन पूछा जाता है। अभी हमारा जो इंडियन बैंक्स एसोसिएशन है, जिसको आप आईबीए के नाम से जानते हैं, इसके नए चेयरमैन बनाए गए हैं। दैट इज जो यूनियन बैंक, याद रखिएगा, हर साल एक साल के लिए बनाए जाते हैं और किसी ना किसी बैंक के वो अध्यक्ष होते हैं। जो भी आईबीए का चेयरमैन बनेगा, चेयरमैन होते हैं, वो किसी ना किसी बैंक के अध्यक्ष होते हैं। ओके, और अभी जो है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के जो एमडी हैं राज किरण राव जी, इन्हें जो है इस साल 2020-21 के लिए आईबीए का नया अध्यक्ष बनाया गया है। व्हाट इज आईबीए, है क्या ये नाम सुना होगा आईबीए का तो? हाँ, व्हाट इज आईबीए, खासकर जो अगर बच्चे कोई बैंक की तैयारी कर रहे हैं, कोई बच्चे तो उन्होंने तो बहुत पढ़ा होगा। अब कोई बच्चा ऐसा भी जो बैंक बैंक की तैयारी कर रहा हो, सब एसएससी वाले हैं, वनडे दूसरे वाले हैं। ओके, हाँ, यस, आईबीए नाम सुना है? सुना है आईबीए, किसी बच्चे ने, कुछ बच्चों ने सुना है। हाँ, तो क्या होता है, कुछ आइडिया थोड़ा बहुत, क्या काम करता है आईबीए? आईबीए देखिए, आईबीए की अगर हम बात करें, आईबीए की स्थापना हुई 1946 में। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। एक्चुअली बैंकों के जो मैनेजमेंट होती है और बैंक का जो स्टाफ होता है, उनके बीच एक कोऑर्डिनेशन का काम करता है। जैसे हम बात करें, हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट क्या था, सैलरी रिवीजन, सैलरी आती है, सैलरी चेंज होती है, इसका बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पे कमीशन आता है। ऐसे बैंकों में जब पे रिवीजन होता है, उसको लाने का काम कौन करता है? आईबीए करता है। या मान लीजिए कि जो बैंक का जो स्टाफ है, उसके लिए कोई बेनिफिट स्कीम लेकर आनी है, तो कौन लेकर आएगा? प्रपोज करेगी बैंक की मैनेजमेंट, और आईबीए जब तक उसको अप्रूव नहीं करेगा, भारत सरकार उसको लागू नहीं कर सकती। ये कमिटी आईबीए जो है, ये भारत सरकार को बैंकों के स्टाफ के बेनिफिट्स के लिए काम करते के लिए काम करता है, ठीक। और अभी इसके जो अध्यक्ष हैं वो नए बनाए गए हैं, ये मैंने लिखा, मैं लिखाया है ना, इसका जो है 1946 हेडक्वार्टर इन मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नाबार्ड। नाबार्ड भारत में दो ऑर्गेनिक पार्क खोल रहा है। ओके, आजकल हम ऑर्गेनिक सीड्स की सबकी बात करते हैं, और भारत में पहली बार इस प्रकार के कोई पार्क खोल रहे हैं। कहां खुलेंगे ये? राजस्थान में खुलेंगे, सॉरी गुजरात में खुलेंगे, और गुजरात में दो जगहों पर, एक पाटन में और एक बनासकांठा में खुलेंगे। नाबार्ड जो है ये खुलेगा, और जो एक जो पार्क खुलेगा वो किसका खुलेगा? जीरा का पार्क, क्यूमिन का पार्क खुलेगा, दैट विल बी इन पाटन। पाटन में जो है वो जीरे की खेती होगी, ऑर्गेनिक खेती होगी, और जो बनासकांठा है वहां पर सौंफ की खेती होगी, ऑर्गेनिक खेती। ये दो ऑर्गेनिक पार्क, इस प्रकार के पार्क ये पहली बार जो है ये भारत में खोले जा रहे हैं। और आपने रिसेंटली पढ़ा भी होगा, भारत में पहली बार एक और चीज की भी खेती हो रही है, हींग की खेती। मंडी पालनपुर, मंडी वही राजस्थान, वही हिमाचल प्रदेश में ना, जो प्रॉपर जगह पालनपुर है, कौन सा है? हिमाचल प्रदेश में है ना, हिमाचल प्रदेश में। हाँ, हिमाचल प्रदेश में जो है ये खेती खुलेगा, उसमें जो आईसीआर एक है उसके साथ जो है ये, और बीज का बताया जाए, मैंने बीज कहाँ से आए हैं उसके लिए बीज जो आए हैं, जो खेती जो की जाएगी उसके लिए 5 बीज मंगाए गए हैं। वो बीज आए हैं ईरान से वो बीज मंगाकर, और ये माना जाता है कि हींग की खेती को विकसित होने के लिए 5 साल लगते हैं। अभी बोया जाएगा और 2025 में जाकर हमको भारत में पहली बार हींग की खेती पैदा होगी भारत में। अभी तक भारत में कहीं पर भी हींग का खेती नहीं होता है। हमारे पास जितना भी हींग प्रयोग किया जाता है वो सब हम आयात करते हैं, सिर्फ सारा का सारा आयात करते हैं। ओके, नेक्स्ट, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, शुक्रयान।
इसरो शुक्रयान लॉन्च करेगा 2025 में वीनस मिशन शुक्रयान लॉन्च किया जाएगा, और इसको जो लॉन्च करने में मदद करेगा फ्रांस करेगा। भारत सरकार ने एग्रीमेंट साइन कर लिया है, फ्रांस की जो स्पेस एजेंसी है CNES, इसके साथ भारत सरकार का इसरो का एग्रीमेंट साइन हो गया है, और इसरो जो है गगनयान को भेजने शुक्रयान को भेजने में भारत की हेल्प करेगा। और पता ही होगा अभी तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि अभी शुक्रयान जो वीनस है वहां पर अभी हाँ मुझे नहीं पता यार, यार देखो पेपर तो लोगों का है, बहुत चर्चा में रहा था अभी आज, एक काम मैं कुछ नहीं बता रहा आज, अभी रिसेंटली पढ़िएगा जरा, अगर हम वीनस की बात करें, शुक्र ग्रह की बात करें, तो शुक्र पर अभी किस चीज की जो है वो खोज हुई है, आज घर जाके पढ़ना आज तो, मैं नहीं बता रहा आज, ठीक है। और जो लोग मेरी पहले क्लास लेते रहे होंगे करंट पर वाली जो मॉर्निंग वाली, उसमें डिटेल में बताया था मैंने कुछ दिनों पहले, ठीक, दैट इज द, आज देखिए थोड़ा सा खुद भी तो पढ़ना चाहिए ना, कुछ कुछ चीजें खुद भी पढ़नी चाहिए ना, कुछ कुछ तो है ना। नेक्स्ट एक और इंपॉर्टेंट चीज जो अभी आजकल बहुत चर्चा में है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स, वैश्विक भुखमरी सूचकांक, अभी रिसेंटली रिलीज किया गया, और यहां पर जो 107 देशों का निकाला गया और उसमें भारत का रैंक है 94, भारत इसमें 94वें नंबर पर है। और इसमें मैंने शायद मैंने बताया भी होगा आपको, इसमें जो क्वेश्चन आएगा ये नहीं पूछेगा कि भारत का रैंक क्या है, इसमें क्वेश्चन पूछेगा वो कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का जो 94th रैंक है, इसमें भारत को में भारत के साथ 94th रैंक पर किसको रखा गया है, यानी कि दो देशों का एक ही रैंक है, एक भारत का और एक सूडान, दोनों 94th रैंक पर है। और इस पे जब बताया गया कि इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में वो है वो सीरियस कैटेगरी में रखा गया है, और ये माना जा रहा है कि ना केवल अभी वर्तमान में बल्कि अभी जो पैंडेमिक आया हुआ है उसके कारण भारत में जो भुखमरी की समस्या है इसमें अभी और बढ़ोतरी होने वाली है। करीब 15 करोड़ नए लोग भारत में इस सूचकांक में शामिल हो जाएंगे अगले साल तक, विश्व में करीब 250 मिलियन लोग जो हैं जो भुखमरी के शिकार होंगे बढ़ेंगे विश्व में, जिसमें से अकेले भारत में 15 करोड़ लोग होंगे, ठीक। और इसमें एक चीज और जो बताई गई, दैट इज इसमें जो विश्व का नंबर एक देश जहां पर भुखमरी सबसे कम है, दैट इज बेलारूस, जो विश्व में नंबर एक रैंक पर है, भुखमरी सबसे कम है, यानी कि सभी देशों का नहीं निकाला जाता है, ये केवल विकासशील देशों का, विकसित देश इसमें नहीं निकाले जाते हैं, क्योंकि विकसित देश का मतलब है वहां पहले ही भुखमरी समाप्त हो चुकी है, यह विकासशील और अल्प विकसित देशों का निकाला जाता है, डेवलपिंग और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज का निकाला जाता है, और उसमें से भारत 94th नंबर पर है, पहले नंबर पर है बेलारूस, और सबसे आखिर में जहां पर भुखमरी सबसे ज्यादा है दैट इज अफ्रीकन कंट्री चैड, 107वें नंबर पर है, ठीक। नेक्स्ट, यस, अभी जो रिसेंटली है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स UAE पहला अरब कंट्री बना जिसने मार्स पर अपना मिशन भेजा है,
और उनके मिशन का दैट इज अल अमाल, और ये पहला अरब कंट्री है जिसने मार्स पर अपना पहला मिशन भेजा है, जिसको भेजने मदद करी है जापान ने, जापानीज लॉन्च सेंटर से इसको जो है भेजा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आपके एसएससी में वनडे एग्जाम में बहुत कॉमनली पूछे जाते हैं। अभी नेस्डेक, नेस्डेक क्या है? अमेरिका का स्टॉक एक्सचेंज, जैसे भारत का बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है वैसे अमेरिका का नेस्डेक है, और नेस्डेक के जो न्यूयॉर्क पर है, और वहां पर नेस्डेक के जो वहां पर बिलबोर्ड्स बनाए जाते हैं, और नेस्डेक के बिलबोर्ड्स में पहली बार किसी भारतीय फुटबॉल टीम को शामिल किया गया है, दैट इज मोहन बगान। मोहन बगान जो भारत की पहली ऐसी फुटबॉल की टीम बनी है जो नेस्डेक के बिलबोर्ड में लगाई, उसके उनका न्यूयॉर्क का जो बिलबोर्ड है, न्यूयॉर्क टाइम्स स्क्वायर पता ही है आपको, वहां पर नेस्डेक का जो बिलबोर्ड लगेगा वहां पर भारत की पहली फुटबॉल टीम जिसको शामिल किया गया है दैट इज मोहन बगान। ठीक, नेक्स्ट, आपको पता होगा कि जो हमारा जो सिक्योरिटी काउंसिल है, सुरक्षा परिषद यूएन की, उसमें कितने देश हैं? 15 देश हैं, 5 परमानेंट और 10 टेम्परेरी, जिसमें हर एक साल 5-5 चेंज होते रहते हैं, और 2021 के लिए अभी नए 5 देश घोषित किए गए हैं। 1 जनवरी 2021 से जो नए 5 देश शामिल किए जाएंगे दैट विल बी इंडिया, आयरलैंड, कीनिया, नॉर्वे और मैक्सिको। ये 5 देश हैं जो 1 जनवरी 2021 से नए 5 देश जो इसके अंतर्गत शामिल किए गए हैं। 5 पहले से ही हैं परमानेंट, 5 ऑलरेडी रहेंगे जो 2022 में चेंज होंगे। ठीक है, हर एक एक साल के 2-2 साल के चुने जाते हैं, हर साल जो है वो 5 चेंज हो जाते हैं, और 2021 अगले साल के लिए भारत को इसमें सिक्योरिटी काउंसिल में अब शामिल किया गया है एज ए टेम्परेरी मेंबर। ठीक, तो क्या लगता है भारत परमानेंट कब तक आ जाएंगे? हम बात चल रही है ना, बहुत लंबे समय चल रही है ना, कि भारत को जो सुरक्षा परिषद है उसका स्थायी सदस्य बना दिया जाना चाहिए। कब तक बना दें? कब तक उम्मीद है बनने की? फिर भी क्या लगता है, क्या संभावनाएं हैं? हाँ, ये पता तो मुझे भी नहीं है, कोई तो किसी को भी नहीं है, वो तो संभावना लगा रहे हैं कि कब तक आ जाना चाहिए। 23 तक आ जाएंगे। अरे वाह, वेरी गुड। चाइना वीटो कर देगा? क्यों, चाइना को वीटो कर देगा? चाइना को हमसे क्या दुश्मनी है? अच्छा अच्छा ठीक है, चलो मान लेते हैं। अच्छा चाइना कर दे, अच्छा मान लो चाइना ने अगर वीटो नहीं किया, अगर चाइना को हमने मना लिया तो फिर हम बन जाएंगे? क्यों, क्या पता सर, अगर चाइना किसी बात से दे दे तो अमेरिका ना दे पाए? तो अमेरिका पहले देने को तैयार था? अमेरिका कब तैयार था? ये मैंने कोई पढ़ा नहीं है कब तैयार था अमेरिका। हैं? हाँ, अच्छा, ओके ओके, चाइना ने मना कर दिया था और जो था अमेरिका कह रहा था ले लो चलो आ जाओ। अच्छा अच्छी बता, अच्छा मैं आपसे बहुत छोटा सा सवाल का जवाब पूछता हूँ, आपको अपने आप आंसर मिल जाएगा। अगर मैं ये कहूँ कि आप के पास कोई शक्ति है, क्या आप अपनी शक्ति को किसी दूसरे के साथ बांटना चाहोगे? नहीं बांटना चाहोगे ना? मैंने बोला आप बांटना चाहोगे, सिर्फ ईमानदारी से जवाब देना। ईमानदारी से आपने जवाब दिया नहीं बांटना चाहोगे, तो फिर
ये कैसे चाहेंगे भाई साहब? ये बता दूं मैं आपको, अमेरिका को पता है कि शायद चाइना इसका विरोध करेगा, ओके, इसलिए वो कहता है। लेकिन जिस दिन उसको पता चला कि भारत के लिए, भारत ने चाइना को मना लिया है, फिर अमेरिका खुद आ जाएगा, भारत इस लायक है अभी, सीधा बोलेगा वो। अलग चीज है, दैट डिफरेंट थिंग। माला बाई से टोटली डिफरेंट थिंग। एक्सरसाइज माला बाई से क्या मतलब? माला बाई से क्या है वो? वो तो भारत एक एक्सरसाइज है हमारी ऑलरेडी, अमेरिका के साथ, अमेरिका के साथ हमारी चार एक्सरसाइज और होती है हमारी। तो चाइना देखिए, अच्छा चाइना के खिलाफ थोड़ी ना है। देखिए अच्छा, अगर आप ये कहना चाहते हैं, चलिए आपकी बात मैं मान लूं मैं कि चाइना के खिलाफ चल रही है, क्या चाइना और अमेरिका के बीच व्यापारिक संबंध नहीं है? कितने अरब डॉलर के हैं? चाइना और अमेरिका के बीच जो व्यापारिक संबंध है, दैट इज अराउंड 900 बिलियन डॉलर्स, 900 अरब बिलियन डॉलर के। जबकि भारत और चाइना के बीच व्यापारिक संबंध है करीब 150 अरब डॉलर के हैं बस। एक बात ध्यान रखिएगा, अगर आपको याद हो 2016 या 2017 में जब हमने बात करी थी NSG की, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप की, ठीक, उसमें लगभग तय था कि भारत जो है उसका मेंबर बनेगा, एनएसजी का परमानेंट मेंबर बनेगा। अगर आपको पढ़ा हो तो याद हो तो थोड़ा बहुत, 2016-2017 की बात है। बन पाया था क्या? किसने विरोध किया था? यूएस ने विरोध नहीं किया था एक्चुअली। उनको देखिए क्या होता है, जब मैं आपको बता दूं उसमें हुआ क्या था, जिससे आपको देखिए क्या होता है कि आपको ये चीज़ें थोड़ी सी ज्यादा बात आई रेलवे से कि आपको न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो फ्रंट पेज पर आती हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो 14वें-15वें पेज पर आती हैं, कुछ न्यूज़ ऐसी होती है जो किसी न्यूज़पेपर में आती है, न्यूज़ किसी न्यूज़ में नहीं आती है। क्योंकि आप, मैं, हम आपको बार बार एडिटोरियल पढ़ने के लिए क्यों कहते हैं? एडिटोरियल पढ़ने के लिए इसलिए कहा जाता है कि एडिटोरियल पढ़ने से आपको व्यू पॉइंट मिलता है, प्लस माइनस दोनों चीजें देखने को मिलती हैं। न्यूज तो एक नॉर्मल न्यूज आ गया, उसका विश्लेषण कहां होगा? एडिटोरियल में होगा। और हम आपको हिंदू का, हिंदू ही पढ़ने के लिए क्यों कहा जाता है? क्योंकि क्या होता है, बाकी टाइम्स ऑफ इंडिया है, पेपर अच्छे हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें किसी प्रकार की कोई, लेकिन क्या होता है कि हिंदू का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से प्लस माइनस बताता है, वो किसी पॉलिटिकल व्यू से नहीं बताता है। क्योंकि उसको पता है कि उसका न्यूज, उसको हिंदू को पता है कि मेरा जो न्यूज पर पढ़ता है वो IAS की तैयारी करने वाला बच्चा पढ़ता है, उसको जो है वो प्लस माइनस पता होना चाहिए, उसको हिसाब से एग्जाम में लिखना है। दैट इज द ओनली रीजन कि उसको पढ़ने के लिए बार बार कहते हैं। ठीक, 2016 की बात है, 2016 में जब प्रधानमंत्री मोदी जब थे, जब US गए NSC की बैठक में, उससे एक दिन पहले अमेरिका की संसद में उनका भाषण था। वहां पर अमेरिका के इतिहास में पहली बार हुआ कि किसी के भाषण पर उनको जो है 6 बार स्टैंडिंग ओवेशन मिला। अगले दिन जब NSG के समूह में जब बैठक थी, जब उसमें विचार विमर्श होना था, किसी भी अमेरिकी सांसद ने भारत का समर्थन नहीं किया। ठीक, 28 या 29 सितंबर को जो था वो वोटिंग होना था। प्रधानमंत्री मोदी जब इंडिया आए, उनको यही डाउट था कि जो है चाइना जो था इसको वीटो कर सकता है। ठीक है, उन्होंने क्या किया, अगले दिन उन्होंने विदेश मंत्री सुषमा स्वराज को चाइना भेज दिया बातचीत करने के लिए। अभी वहां पर बातचीत कर ही रही थी, उसके अगले दिन शायद प्रधानमंत्री मोदी शायद खुद भी पहुंच गए। अब यहां पर अमेरिका को डर लग गया कि अगर चाइना को मना लिया इन्होंने तो समस्या हो जाएगी। उसी दिन रात को इसराइल और आई थिंक शायद टर्की और एक और देश, तीनों ने मना कर दिया, हम भारत को इसमें समर्थन नहीं देंगे। अमेरिका ने कुछ नहीं किया। अमेरिका देखो, अमेरिका एक कैपिटलिस्ट कंट्री है, हम सबका माई बाप है, नहीं कहना चाहिए, बट दैट इज रियलिटी। और जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो पुरानी कहावत है।
ठीक है, सो दैट इज द रीजन. अब देखिए चांसेस भारत के सिक्योरिटी कंपोनेंट के अभी तो फिलहाल तो नहीं है, आज से 5-7 साल बाद क्या सिचुएशंस नहीं बनती है, जैसे आपने भी बताया अभी. लेट अस सी कि अब यह माना जा रहा है कि 2030 तक आते आते यूएसए विल नॉट बी द सुपर पावर, चाइना विल बी द सुपर पावर, न्यू सुपर पावर. और हो सकता है 2032 तक आते आते शायद अमेरिका टॉप 3 इकोनॉमी से भी शायद बाहर हो जाए, तब हो सकता है नई संभावनाएं बनेंगी. अब भारत में प्रगति कर ही रहा है, इसमें कोई इधर है ही नहीं, हमने विकास तो हमने बहुत किया है. ठीक, नेक्स्ट इज यस, यस इज वन मोर इंपॉर्टेंट रीजन, बहुत बच्चे कंफ्यूज हैं. बहुत बच्चे, अभी आपको पता होगा कि टाइम्स की मैगजीन में 2020 के सबसे शक्तिशाली व्यक्तियों की सूची लिस्ट हुई है. इसमें कितने भारतीय शामिल हैं? 5 भारतीय शामिल हैं. पहले नरेंद्र मोदी, भारत के सबसे शक्तिशाली व्यक्तियों में विश्व के जो हैं एट प्रेजेंट 5 भारतीय हैं, नरेंद्र मोदी, आयुष्मान खुराना, सुंदर पिचाई, एक नाम जो बहुत सरप्राइजिंग था, दैट इज बिल्किस बानो, जो एक चेहरा बनी किसका, शाहीन बाग. शाहीन बाग का एक जाना पहचाना सबसे बहुत ही बुजुर्ग महिला जो वहां पर डटी रही. ठीक, और ये जो है टॉप 100 में शामिल हैं. और उसके बाद 5वें हैं रविंदर गुप्ता, जो प्रोफेसर हैं कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में, जिन्होंने पर्यावरण के ऊपर काफी काम किया है. ये 5 व्यक्ति हैं, याद रखिएगा, जो इस साल टॉप 100 इन्फ्लुएंशियल पर्सन में शामिल हैं, 5 भारतीय. नेक्स्ट, अभी रेलवे ने पहली बार चलाई व्यापार मेला एक्सप्रेस. इससे पहले चलाई थी किसान रेल. किसान रेल कहां से कहां तक है? किसान रेल वहां से वहां तक, हाँ, है ना, हाँ, बठिंडा से दिल्ली नहीं, बिल्कुल. जो आपकी जो किसान पहले किसान रेल चली है वो नासिक के पास स्टेशन है, वहां से चली है, नाम इसमें याद नहीं, और दरभंगा तक के लिए, बिहार तक के लिए, महाराष्ट्र से बिहार तक की है जो पहली किसान रेल चली है, जो इस बार बजट में अनाउंस की गई थी. और उसके अलावा अभी रेलवे ने चलाई पहली व्यापार माला एक्सप्रेस, जो दालें और चावल और गेहूं को ले जाने के लिए विशेष रूप से चलाई गई. और ये जो चलाई गई ये दिल्ली से चलाई गई और जिरानिया के लिए, त्रिपुरा के लिए. इस पर क्वेश्चंस बहुत आपके एग्जाम्स में आते हैं, आप ढूंढते रहते हैं ये क्वेश्चंस, क्वेश्चन सर कहां से आते हैं पता नहीं क्वेश्चंस, क्योंकि ऐसे न्यूज आपको फ्रंट पेज पर नहीं मिलती है, आपको 12वें-13वें पेज पर मिलती है. नई ट्रेन चलाई गई होगी, नेचुरली बात, वहां तो आप पहुंचते ही नहीं ना, क्योंकि हम तो मसाला, एक्चुअली मसाला खबरें पहले पेज पर आती है, वो पहला बहुत ज्यादा बेकार होता है, ज्यादा पढ़ने वाला होता नहीं है. ठीक है, दैट इज अ नॉर्दर्न रेलवे के द्वारा ये ट्रेन चलाई गई है. ये भारत की पहली, ये जो है भारत में ये जो ट्रेन्स हैं ये विशेष रूप से बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए, ये ट्रेन्स की शुरुआत इस साल के बजट में अनाउंस की गई थी और अब जो है इसको चलाया भी गया है. दैट इज फ्रॉम दिल्ली टू जिरानिया त्रिपुरा में, नॉर्थ ईस्ट. नेक्स्ट, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, अभी रिसेंट की अगर हम बात करें तो बहुत सी विदेशी कंपनियों के जो हेड्स हैं वो भारतीय मूल के भारतीय हैं या भारतीय मूल के हैं, जिसमें अभी रिसेंटली ही बनाए गए IBM के चेयरमैन, अमेरिकन कंपनी, दैट इज अरविंद कृष्णा इज द न्यू CEO ऑफ IBM ग्रुप. ये तो पता ही है आपको, सुंदर पिचाई तो पता ही है आपको, गूगल के और अल्फाबेट के. देन सत्य नडेला माइक्रोसॉफ्ट, ये तो पता ही है आपको. देन एडोब, जो आजकल काफी चर्चा में है, एडोब रीडर, PDF फाइल्स, जिसको जो आप कन्वर्ट करते हैं वर्ड को PDF, दैट इज थ्रू एडोब रीडर ओनली, दैट इज शांतनु नारायण. देन मास्टर कार्ड के बनाए गए हैं, दैट इज अजय पाल सिंह बंगा,
नेक्स्ट इज नोकिया INC के इंडिया हेड है, नॉट नोकिया के हेड नहीं है, नोकिया इंडिया के एक्चुअली हेड है ये राजीव सूरी। और अगर पता होगा कि नोकिया तो अभी बहुत चर्चा में, अभी और नोकिया का काम बढ़ने वाला है नोकिया का, तो क्योंकि ये चांद पर क्या लगा रहा है, हाँ नोकिया साउथ कोरिया, और नोकिया पे जो वो क्या काम है, नोकिया क्या कर रहा है, नोकिया लगाएगा ना, नोकिया लगाएगा नेटवर्क 5G नेटवर्क, 5G नेटवर्क एट चांद मून पर दक्षिण, ठीक है, यस। अभी जो है नासा ने जो है 12 कंपनियों को चुना है जो चांद पर अब नेटवर्क लेकर जाएंगे, और उसमें नोकिया शामिल है। 2025-2026 तक, एक्चुअली बहुत लंबे समय से चर्चा है कि चांद पर बस्ती बनाने की एक परिकल्पना चल रही है, परियोजना चल रही है, तो ठीक 2025 का टारगेट रखा है, 2025 का टारगेट रखा है। देन पालो आल्टो जो कार की कंपनी है उसके नीलेश अरोड़ा, लेकिन ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एट प्रेजेंट एकमात्र भारतीय महिला जो किसी अंतर्राष्ट्रीय कंपनी की चेयरपर्सन है। पहले जो थी बहुत चर्चा में रही थी, नाम सुना होगा आपने, इंदिरा नुई जो पेप्सिको की चेयरपर्सन बहुत लंबे समय तक रही थी, और अभी वर्तमान में जो है जयश्री उलोल जो है ये अरिस्टा नेटवर्क जो है उसकी ये चेयरपर्सन है, ठीक। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो मैंने आपको बताई कि जो एग्जाम के पर्पज की आती हैं। अब ठीक, देखिए थोड़ा सा आप जो समझेंगे तो आपको जो है धीरे धीरे जो है अपने आप चीज़ें समझ में आएंगी, पहली चीज। दूसरी चीज़ इसमें मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, मैं आपको इसमें नया वो आता है, देखिए एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, आप थोड़ा सा अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान दें चीज़ों को तो आप बहुत आराम से करंट अफेयर की तैयारी तो बहुत आराम से की जा सकती है। जैसे एक्चुअली क्या होता है, और एक बार सिर्फ एक बार 3 से 4-5 महीने लगने की बात होगी, उसके बाद आपका एक ऐसा डाटा तैयार हो जाएगा जो आपके लिए वो लाइफ लॉन्ग रहेगा, केवल उसमें हल्के फुल्के परिवर्तन करने रहने की आवश्यकता होती है, ठीक। जैसे मैं आपको बता दूं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, जैसे हमारे आते हैं इंडेक्सेस, अभी आज मैं करवाया इंडेक्स क्लास में लेकर आऊंगा, मैं इंडेक्स क्लास में पूरा इंडेक्सेस टीचर में बहुत इंपॉर्टेंट करवानी है, एक तो इंडेक्सेस और कुछ एक रिसेंट बहुत सारे अपॉइंटमेंट्स अभी बहुत सारे हुए हैं, ठीक है। इंडेक्सेस में क्या है कि आपको सॉरी एक बार आपको एक डाटा तैयार करना है इंडेक्सेस का कि क्या चीज, देखिए इंडेक्सेस आप पढ़ेंगे तो 3-4 चीजें पढ़नी है, पहला रिलीज्ड बाय कि कौन सी एजेंसी ने इसको निकाला, ठीक। दूसरा जो आपको पढ़ना है दैट इज टॉप रैंक्ड कंट्री कौन सी है, फिर आता है हमारा इंडिया का रैंक। इंडिया के रैंक में आपको दो चीज याद करनी पड़ती है, एक तो मान लीजिए 2020 का डाटा आया तो 2020 का रैंक, और आपको इस पर पिछले साल का भी याद करना पड़ेगा 2019 का। कोई कई बार क्या होता है वो ये नहीं पूछता कि 2020 का डाटा क्या, वो क्या पूछता है कि पिछले साल के मुकाबले कितना हम प्लस हुए हैं या कितना माइनस हुए हैं। ये बात बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। मान लीजिए जैसे हम बात करते हैं बार बार बहुत हम बात करें एक ईज ऑफ डूइंग की बात करें, ईज ऑफ डूइंग में ज्यादातर भाई ये नहीं पूछा गया कि इंडिया का रैंक क्या था, इंडिया का रैंक 63 था सबको पता था, उसने ज्यादा क्वेश्चन ये पूछा कि भारत ने किसने रैंक का सुधार किया है या पिछला रैंक क्या था, भारत 77 से 63 पर आया था 2020 की अगर हम बात करें तो, ठीक है ना। तो वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट चीज, फिर इसमें लास्ट रैंक कई बार पूछ लेता है, जरूरी नहीं है कि हर पूछे ये, लेकिन जहां पर इंपॉर्टेंट जो होता है लास्ट रैंक कि कौन सी कंट्री रही। और ये तो हो गया आपका नॉर्मल वनडे के हिसाब से, इतना काफी होता है, लेकिन
अगर आप यूपीएससी वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, डाटा सब यही रहेगा। इसमें बस आपको एक चीज चेंज करनी है, इसमें एक चीज ऐड करनी है, ये कहूंगा दैट इज बेसिस, किस आधार पे निकाला गया। जैसे हम बात करते हैं एचडीआई की, जैसे हम बात कर रहे हैं, हमने किसकी बात करी थी अभी, हमने ईज ऑफ डूइंग की। ईज ऑफ डूइंग जो है वो 10 डाटा के ऊपर निकाला जाता है, इलेक्ट्रिसिटी है आपका, ईज ऑफ उसमें व्यापार में कितनी बिजली पे क्या समस्याएं हैं, लेबर की क्या समस्या है, उस डाटा के ऊपर निकाला जाता है। उसमें आपको 10 के 10 डाटा जो है वो समझने हैं, ठीक। प्लस इसके अलावा एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, वो धीरे हम चलेंगे तो आगे करते चलेंगे उसको। एक आपका आता है बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है, और उसमें से आपके लगातार एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं, दैट इज ऑर्गेनाइजेशंस मीटिंग्स, कि सम्मेलन कहां पर हुआ, इस पर क्वेश्चंस रेगुलर आते हैं। अब समस्या यह है कि आपने सिर्फ 2 चीजें इसमें पढ़ते हैं, आपने इसमें 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एक तो हम मान लीजिए हम बात करते हैं, हम G20 की बात करें, G20 क्या है, कब बना, क्यों बना, मेंबर्स कौन कौन से देश हैं, क्योंकि G20 में ज्यादातर उसने पता क्या करता है, वो ज्यादातर वो ये पूछता है कि इसमें से कौन सा देश G20 का मेंबर नहीं है। उसमें 19 देश हैं G20 में, प्लस यूरोपियन यूनियन है। अब G20 में कौन कौन देश शामिल है, उसमें नाम तो देता है, आपने कभी नाम पढ़े ही नहीं, कभी ध्यान ही नहीं दिया कभी, फिर सम्मेलन तो खैर अलग चीज हो गई। फिर एक चीज और आपके आकर सम्मेलन में जो चीज पूछता है, दैट इज इस साल का उसका थीम क्या था, या मान लीजिए कोई इंपॉर्टेंट डे है, वो डे का इस बार का थीम क्या रहा। अगर आप थोड़ा सा चीजों को ध्यान से देखेंगे तो आप बहुत आराम से पेशेंट क्वेश्चंस को कर सकते हैं। क्वेश्चंस कोई बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं आते हैं करंट अफेयर वाले, चक्कर यह है कि हम चीजों को ना छोड़ देते हैं पढ़ने के बजाय। थोड़ा सा पढ़ना शुरू करेंगे धीरे धीरे तो आपको चीजें जो हैं वो ज्यादा अच्छे से और ज्यादा आसानी समझ में आएंगी। कोई डाउट आप बच्चों को तो पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई डाउट कुछ नहीं है। ओके चलिए ठीक है, चलिए इतना ही रखते हैं आज, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। और अभी जल्दी ही हम जो है एक चीज जो है हम एक अपना बैच भी ला रहे हैं, और उसके अलावा मेरा जो प्लान है वो दीपावली के बाद जो है वो हम एक टेस्ट स्टार्ट करेंगे, आपका एक करंट का एक टेस्ट स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना, जिसमें नेगेटिव मार्किंग के साथ शुरू करेंगे। लेट अस सी उसमें जिधे जिधे जो है आप लोग सफल होंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस टाइम, गुड डे टू ऑल ऑफ यू, यस, थैंक यू वेरी मच। हाँ बेटा बोल। अब मेरे साथ व्हाट्सएप ग्रुप में मेरे साथ हो तो डेली मैं भेज सकता हूँ मैं उसमें। आजकल 2 दिन में नहीं भेजी, उसमें थोड़ा बिजी हो गया था, आजकल भेज दिया ना, आजकल तुम्हें मिल गया, आजकल तुम्हें मिले, कल से भेज दिया करूँगा। मुझे व्हाट्सएप कर देना, मैं ऐड कर दूँगा। नहीं हिस्ट्री अलग, टीचर अलग अलग, हर टीचर अलग अलग है, करंट फॉर इकोनॉमी मैं करवाऊंगा, बाकी हिस्ट्री के अलग है, मैथ्स के सबके अलग टीचर हैं, सबके सारा कुछ मैं एग्जाम में कैसे करवा सकता, सारा कुछ मैं कैसे करवा सकता हूँ भाई। नहीं नहीं केडी कैंपस वाले नहीं है। हाँ बच्चे बोल, ये काफ़ी है, ये करवाऊंगा, ये काफ़ी है, डोंट वरी मैं करवा दूंगा, पूरा कंप्लीट करवाऊंगा, चिंता मत कर। उसका 11 बजे से अभी बैच लेकर आएंगे, यस।